कोरोना महामारी के मद्देनज़र अलौकिक के पहले पड़ाव च गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब नूं संगतां दे खुले दर्शनां दे लई खोल दिता गया। इस मौके कोविड-19 तहत जारी की गई गाइडलाइनां अनुसार गुरद्वारा साहब खुलन मौके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल नतमस्तक हुए। उन्होंने गुरद्वारा साहब की दर्शनी द्योड़ी च थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने की शुरुआत की, संगतां नूं समाजिक दूरी रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने नाल ही संगतां नूं मास्क भी वंडे। गुरु महाराज ने सुचे पातशाह ने कृपा की है, मेहर की है, अज वो बख्शिश के दिते हुए समाज के पहला असी तकरीबन 1100 क्वांटल कणक भी भेजी सी, तो अज 200 क्वांटल दाल भेजी है। सो ये बख्शिश गुरु महाराज जिस सुचे पातशाह की है, वो दिती हुई दाल के असा कुछ हिस्सा ही दे रहे हैं। साढ़े लिए तो हुक्म है, जो भी हुक्म आऊगा गुरु महाराज की कृपा करेंगे, सुचे पातशाह मेहर करेंगे। साड़ी ड्यूटी बनती है कि असं उस फर्ज नवाईए। सो वो फर्ज नवाते हुए अभी कोशिश की है कि जो भी असी सेवा कर सकते हैं सेवा करिए। जिहड़ा है सारे संसार दे विच चल रहा है और बहुत लंबे समय तो तकरीबन 22 मार्च तो लैके जदों का भी ये कोरोना वायरस दीआं हदायतां जिहड़ियां ने जो पंजाब दे विच सरकार ने कीतीआं ने और उदो तो लैके ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लोड़वंदां लई गरीबां दे लई क्योंकि जिन्हां ने रोज की रोटी कमा के खानी सी उन्हां लई बहुत वड्डी मुसीबत जिहड़ी सी उह खड़ी हो गई सी। इस करके उन्हां दी मुसीबत नूं मुख रखदे होइआं जो गुरु नानक देव साहिब ने सानूं लंगर की प्रथा जिहड़ी है उह बख्शिश कीती है, सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 22 मार्च तो लैके लगातार और सारे ही साढ़े जिंदे 90 गुरुद्वारे ने पंजाब दे विच हरियाणे दे विच हिमाचल जां चंडीगढ़ दे विच सारे ही गुरुद्वारियां दे विच असी लंगर जिहड़ा है वह तैयार कर करके गरीबां लोड़वंदां लई जिहड़ा सी उह वरताया गया हैगा, वह लगातार चल रही है। सो इसलिए मैं धन्नवादी हाँ कि बहुत सारी संगत ने सानूं बहुत वड्डा जिहड़ा है सहयोग भी दित्ता है और समुचियां सिख संगतां वल्लों जिहड़ा लंगर दे लई अनाज कणक इकट्ठी करके जिहड़ी गुरुद्वारे वास्ते भेजी है। अज असीं इत्थे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पहुंचे हां और पहलां भी इत्थों दे सारे साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर साहिबान हलका इंचार्ज ते सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा जिहड़े साडे प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दे इस जिले दे, इन्हां सारिआं ने बड़ी हिम्मत करके मेहनत करके बहुत सारी कणक जिहड़ी है उह श्री दरबार साहिब भेजी है। इसे तरह दुख निवारण साहब भी इन्होंने भेजी है ताकि साडे लंगर जिहड़े ने उन्हां विच खड़ोत ना आवे, लगातार जिहड़े लंगर ने वह चलते रहन। सो अज 200 क्विंटल जिहड़ी है दाल उस सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा जी जिहड़े ने अज वह सारे गुरद्वारा साहब नूं लंगरां लई भेंट कर रहे ने। मैं सारी संगत का साडे सारे मैंबर साहिबाना का हलका इंचार्ज का सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा का बहुत बहुत धन्नवाद करदा गुरु कृपा करन कि इसे तरह मेहर भरिया संगतां दे हत्थ रखण अपना दसबंध अपनी सेवा जिहड़ी है इस तरह गुरु घर दी करदे ने। बिलकुल देखो मैं बहुत धन्नवादी हां साढ़े सारे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजमान का और सैकटरी मैनेजर सारे सेवादारां दा जदों कि इन्हां कोरोना वायरस दे विच ऐसी डर ते भय दा माहौल सी, बहुत सारे लोग अपने परिवारां नूं भी छड्ड गए, अपने मां बाप तक संस्कार तक करन नहीं गए हैगे, लेकिन साढ़े सारे मुलाजमां ने सेवादारां ने बहुत हिम्मत कीती अपनी जिहड़ी जीवन नूं भी ऐसे उच पा के दर दे विच पा के जिहड़ा है उन्होंने सेवा कीती। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद भी करदा और जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां दा सन्मान भी जिहड़ा असीं करांगे क्योंकि साडियां जिहड़ियां सरावां ने उह भी सारियां असीं सरकार नूं बेनती करके दे दित्तियां सी। जिहड़े एकांतवास व्यक्ति रखणे ने उह भी साडियां सरावां दे विच इत्थे दुख निवारण साहिब भी बहुत सारे रखे गए ने, होर भी सरावां दे विच रखे गए ने, तां उहनां दी बहुत वधिया सेवा लंगर पाणी दी सेवा हर पक्खों उहनां नूं पूरी जिहड़ी है उह सहूलत दित्ती गई है। इस करके मैं सारे का बहुत बहुत
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਨਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵਾਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ, ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ।